अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर टू है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज। बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे 2.7। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग सेवन टेलर्स की इक्वेशंस। तो बेटे हमारे पास ये है, सबसे पहले सेवन टेलर्स की इक्वेशंस का मतलब क्या है, ये इसका मतलब जो आपको मैं 7 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो है समझाऊंगा कि इन क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, उसके बाद है x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। बेटे यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक जो है वेरिएबल, टू जो है, देखिए इक्वेशन के अंदर दोनों जो है यूज हो रहे हैं, सेम x और y वेरिएबल जो है वो यूज हो रहे हैं, लेकिन इस दोनों इक्वेशन में फर्क क्या है, एक इक्वेशन जो है आपके पास गिवन है उसमें जो वेरिएबल्स की पावर है वो क्या है हमारे पास नहीं है। दूसरी अगर इक्वेशन देखें तो एक वेरिएबल की पावर स्क्वायर है और दूसरी बटे वेरिएबल की पावर नहीं है। हमने इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जो लीनियर इक्वेशन है यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, जिस मर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बटे यहाँ पर देखें x प्लस हो रहा है, उस साइड पर जाके क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास वाई इक्वल टू 5 माइनस x आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है y, इसको आपने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 में। Bring the value of y in equation 2। अब यहां पे बेटे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहां पे y की वैल्यू आ रही है वहां पे हम y की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। देखिए 2 के साथ y आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस x माइनस 14। अब इसको आगे मजीद सॉल्व कर लें, सॉल्व कैसे कर लें, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन बाय बेटे साइन क्या माइनस है तो अंदर वैल्यूज के साइन क्या होंगे चेंज होंगे, आ जाएगा माइनस 10, आगे क्या आ जाएगा प्लस 2x। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा लास्ट में वैल्यू जो आपके पास है माइनस 14। अब बेटे इसको अरेंज करेंगे, अरेंज कैसे लिखेंगे, पहले बेटा जो आ जाएगी स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, फिर आ जाएगी एक्स की वैल्यू और लास्ट में आ जाएगी हमारे पास इन दोनों वैल्यूज को आप जो है साथ वाले लिख लें माइनस 10 और माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इनको बैठे देखिए माइनस ये ऐड माइनस माइनस क्या आता है प्लस होता है, ये आ जाएगा माइनस 24। अब बेटे आपने करना क्या है, ये आपके पास आ गई इक्वेशन आ गई, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म ब्रेक में इसके पेयर जो बने बेटे प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से कॉमन निकालें क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो आगे बढ़ जाएगा x प्लस 6, नेक्स्ट में से कॉमन निकालें तो माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 6, ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब हमारी जो मिड टर्म ब्रेक थी वो ठीक हुई। x प्लस 6 इनटू जो बाय की वैल्यू है इसको बेटे ब्रैकेट में लिख लेंगे इक्वल टू बेटा 0 है तो क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को ये जो आपके पास फैक्टर है इक्वल टू 0 करके यहां से x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। ये देखिए बेटे यहाँ पे प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, x की एक वैल्यू आ गई दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस हो रहा है दूसरे जाके क्या हो जाएगा प्लस 2। ये तो आ गई बेटे हमारे पास x की वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब इसके साथ जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे देखते y की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, लिखी थी उसको लिख लेंगे, फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को मैं बेटे 2 टाइम लिखूंगा। अब इसकी रीजन आपको मैं बताता हूँ क्यों, ये देखिए बेटे लीनियर से हमने इक्वेशन निकाली जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर भी हमारे पास क्या आएंगे, 2 ही आएंगे, यानी x और y की वैल्यूज आएंगी वो 2 आएंगे, ठीक है। तो याद रखना बेटे, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की आंसर को ये कहेगा क्योंकि उसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है, लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे आंसर आपको जो है x के 2 फाइंड होते हैं। जैसे आपने मिड टर्म ब्रेक करते हैं x के आंसर 2 आए थे फर्स्ट चैप्टर में कर लिया था आपने, देख चुके हैं क्यों वहां पे उसके जो डिग्री थी वेरिएबल की वो क्या थी, 2 थी। इसी तरह क्यूबिक अगर आ जाए वेरिएबल की पावर तो आंसर वहां पे बेटे उसके वेरिएबल के कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब यहां पे बेटे यहां पे देखें 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं x एंड y और हमने क्वाड्रेटिक लीनियर से निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू पुट किया है तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यूज भी 2 आएंगी और y की वैल्यू भी 2 आएंगी और जब इसके आंसर लिखे जाएंगे तो वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे जाएंगे। अब बेटे x की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू यहां पे आई थी -6 और दूसरे में बेटे पुट करेंगे यहां पे एक हमारे पास वैल्यू 4 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 11 आंसर। और दूसरा बेटे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y का आंसर 1, ठीक है। अब इसके हमें क्या करना है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपको पता है कि आंसर जब भी लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, ऑर्डर पेयर ऑफ दी वैल्यूज कौन सा, फर्स्ट पेयर देखते हैं, यहां पे देखिए फर्स्ट वैल्यू, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू आपको पता है x की होती है, सेकंड क्या होती है, y की होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक पेयर में आएंगे, यहां पे देखिए x की वैल्यू -6 है, y की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 11, एक पेयर आ गया। दूसरा जो पेयर बेटे हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, x की वैल्यू 4 है, दूसरी वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसको बेटे सॉल्यूशन सेट में लिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट, ये बेटे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, नोट कर लें जल्दी से। क्वेश्चन आसान था, इतना मुश्किल नहीं है। मैं बेटे क्वेश्चन को रेस करने से पहले एक दफा फिर आपको समझा देता हूँ बेटे, इसमें आपके पास क्वेश्चन में 2 इक्वेशन जो वो गिवन होंगे। तो इसमें फर्स्ट आपने इक्वेशन में देखें, एक जो आपके पास वेरिएबल जो है वो लीनियर पावर है और दूसरे में जो है वो आपके पास कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो करना क्या, लीनियर में से आपने कोई भी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, या वाई की या एक्स की। मैंने यहाँ से बेटे वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है, x यहाँ पे पॉजिटिव था, दूसरे साइड पे जाके क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे बेटे y की वैल्यू आ गई। अभी जो वैल्यू आ गई आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देने कहाँ पे y की जगह पे, देखिए सारी इक्वेशन एज इट इज सिर्फ y की जगह पे मैंने वैल्यू फाइंड की थी 5 - x वो पुट कर दी बेटे, -2 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे
मल्टीप्लाई करके x के एज इट इज आ जाएगा, टू ने तो मल्टीप्लाई आ गया लेकिन बाय साइन बेटे माइनस है, सम वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बेटे इन वैल्यूज को अरेंज करके लिखा, अरेंज करने का तरीका आपको पता है कि x स्क्वायर आ जाएगा, दूसरा बेटे क्या आ जाएगी x की पावर लीनियर आ रही है, लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यूज को सिंपलीफाई किया 24 आ गया। ये अब आपके पास आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल जो है वो यूज हो रहे हैं। इस इक्वेशन को भी हम क्वाड्रेटिक किसी हद तक कह सकते हैं क्योंकि इसकी x की पावर क्या आ रही है, स्क्वायर में आ रही है, पावर जो है स्क्वायर में, दूसरा जो वेरिएबल है वो लीनियर है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम इसको जो है कंप्लीट तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल जो है वो सेम यूज हो रहे हैं। अब इसमें से सिंपलीफाई करके हमने करना क्या है कि इसमें से x की वैल्यू से बेटे फाइंड कर लेंगे, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद यहां से x की वैल्यू आई, x की वैल्यू का आ गई -6, दूसरी आ गई 4 आ गई। अब यहां से बेटे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि आपके पास पावर जो आ रही है हाईएस्ट पावर इक्वेशन में स्क्वायर आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास x और y की जो वैल्यूज हम फाइंड करेंगे वो भी हमारे पास क्या आएंगी, 2 आएंगी, यानी कि x की वैल्यू भी 2 होगी और जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे वो भी 2 होगी। इसका मतलब है जो आपके पास y की इस इक्वेशन को आपने 2 टाइम लिखना है, एक में आपने -6 पुट करना है एक दफा और फिर एक में x की जगह आपने 4 पुट करना। सॉल्व करेंगे y की वैल्यू 11 आ गई, दूसरी में क्या आ गई 1 आ गई। इसको बेटे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेना है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखने के बाद यही हमारा क्या रहेगा, जो पेयर है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे हैं यही हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ऑर्डर पेयर का तो बेटे आपको पता है कि आपने 9th क्लास में इसकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ चुके हैं। ऑर्डर पेयर किसको कहते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो है y को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां पे देखिए मैंने y में वैल्यू जो पुट की थी -6, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में -6 x की वैल्यू लिखी, आंसर आया था 11, तो y की वैल्यू क्या बेटे लिखी 11। इसी तरीके से सेकंड जो है जब x की वैल्यू आई थी 4 वो लिखी, पुट करने के बाद जो आंसर आया था हमारे पास 1 आया था, मैंने 1 लिखा, ये बेटे हमारा क्या था इसका आंसर था। नोट आप लोगों ने बेटे कर लिया होगा, मैं इस क्वेश्चन को बेटा रेज करता हूँ और आगे जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 किया बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, आपने इसमें से लीनियर जो इक्वेशन है वहां से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, चाहे y की फाइंड कर लें चाहे x की कर लें। फिर दूसरी इक्वेशन जिसमें बेटा x स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर वाली वैल्यूज में आपने वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद उसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम है बेटे, इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको मैं करवाता हूँ। जी बेटे, ये हमारे पास जो इक्वेशंस हैं यहाँ पे देखें, एक इक्वेशन जो है जिसमें वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो है लीनियर, दूसरे में भी लीनियर है लेकिन बेटे ये फ्रैक्शन फॉर्म में। अब करना क्या है, एक साइड से आपने पहले बेटे x या y की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है, चाहे x की फाइंड कर लो चाहे y की फाइंड कर लो। चलो यहाँ से मैं बेटे x की वैल्यू है वो फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, चाहे x की चाहे y की। अब यहाँ से मैं बेटे x की फाइंड करता हूँ, ये y यहाँ पे देखें पॉजिटिव है, जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारे पास बेटे क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, दूसरी इक्वेशन जो है सबसे पहले बेटे इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई क्यों करना है, ताकि इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो रिमूव हो जाए। अब फ्रैक्शन फॉर्म को रिमूव करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, तो एलसीएम का बड़ा आसान सा तरीका यह है कि आप या नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही हैं
उन देखें इक्वल इस साइड पे, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे एक्स वायर, एक्स वायर को तीनों वैल्यूज के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटे तीनों वैल्यूज के साथ जो हमने एलसीएम लिया था एक्स वाई है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना। यहां पे देखें एक्स एक्स से कट हो गया, वाई वाई से कट हो गया, वैसे भी आ जाएगा। तो इक्वेशन बेटे हमारे पास जो आएगी ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब आपने करना क्या है, इक्वेशन को बेटा आपने अरेंज कर लिया अच्छे में लेके, इसी क्वेश्चन में बेटे जो हमने लीनियर वेरिएबल से जो x की वैल्यू फाइंड की थी वो पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इसका इक्वेशन नंबर 2 हमने अरेंज करके उसको फाइंड किया, इसका नाम कर लेंगे वैल्यू बेटे एक्स की हमारे पास ये थी ए माइनस बी माइनस वन। जी यहां तक कर लिया। अब इसको बेटे इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इसको सिंपलीफाई करेंगे, माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल का साइन, उसके बाद टू वाई को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ए वाई माइनस टू बी वाई माइनस टू वाई स्क्वायर। अब इसको बेटे इक्वेशन को हमें अरेंज करना है, अरेंज करने के लिए जो वेरिएबल इसमें यूज हो रहा है वाई यूज हो रहा है, तो यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर के साथ साइन माइनस का है, इसको पॉजिटिव में करने के लिए वैल्यूज को हम जो है इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। सबसे पहले बेटा स्क्वायर वैल्यूज को लिखना है, यहाँ पे देखिए 2y स्क्वायर है, जब इक्वल की साइड पे लेके आएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद बेटे हमने करना है ए वाई की वैल्यूज को लिखेंगे, इसके साथ साइन प्लस है, उसके बाद देखिए ये थे दूसरा जो वेरिएबल है इक्वल के दूसरी साइड पे आ रहा है ए वाई आ रहा है, इसको भी बेटे हम इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पे देखें जो आपके पास है राइट हैंड साइड पे 2ay का प्लस है, जब इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद देखें by, by को लिखेंगे बेटे इक्वल के दूसरी साइड पे देखें तो माइनस 2by है, यानी राइट हैंड साइड पे जो है माइनस 2by है, जब इसको यहाँ से मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे नेगेटिव में है, उस साइड पे जाके क्या आ जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। अब लास्ट में ये तीनों वैल्यूज को हमने शिफ्ट कर लिए, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। अब बेटे इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, ये एज इट इज आ रही की वैल्यू जिसको टिक कर रहा हूं, उसके बाद देखिए बेटे दोनों सिंपलीफाई हो रहे हैं, सिंपलीफाई होकर क्या आ जाएगा माइनस ए वाई आ जाएगा, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर एड हो रही है तो ऐड होकर क्या आ जाएगा प्लस थ्री बी वाई। आगे वैल्यूज यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से मैंने वाई को बेटा कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के साथ साथ या प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लूंगा और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लूंगा।
जी बेटा यहाँ पे देखें y को तो कॉमन लिया, लेकिन इसमें से जो प्लस वाली वैल्यूज को पहले लिख लिया और माइनस वाली वैल्यू को मैंने बाद में लिख लिया। माइनस प्लस वाली वैल्यू को पहले बेटे इसलिए लिखा है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है साइन जो है सेंटर में वो क्या आ जाए प्लस का। अब बेटे ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से वैल्यू निकालेंगे, फाइंड करेंगे ए बी और सी की, और अपने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें पुट करके जो है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ तक बेटे देखें इक्वेशन जो है यहाँ तक आप नोट कर लें, इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन का दोबारा कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो तब तक के लिए बेटे आप इस तरह से पहले नोट कर लें। हाँ जी बेटे ये आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो इस ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें से मैं वैल्यूज फाइंड कर y स्क्वायर के साथ बेटे इसका जो कोफिशिएंट होगा ये हमारे पास a की वैल्यू होगी। जो लीनियर है हमारे पास वेरिएबल इसके साथ बेटे इसका जो कोफिशिएंट होगा ये b की वैल्यू हो जाएगी, और जो लास्ट वैल्यू है ये क्या आ जाएगी c। अब यहां से बेटे क्वेश्चन आपने ध्यान से देखना है, फार्मूला में बेटे लिख रहा हूं जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन में बेटे y यूज हो रहा था, इसका मतलब y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो फॉर्मूले में बेटे हम यहाँ पे लिखेंगे y क्या रहेगा, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा आपने जो फार्मूला पढ़ा था उसमें तो बेटे स्मॉल अल्फाबेट्स पढ़े थे, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखी है। अब कैपिटल क्यों लिखी है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें भी अल्फाबेट ए बी जो है वो यूज हो रहा है, तो फिर बेटे दोनों में डिफरेंस मिलेगा। आप जब डिफरेंस करना चाहें तो कैपिटल अल्फाबेट यूज कर लें, अगर नहीं तो आप इसको वेरिएबल्स के ऊपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा कर भी फार्मूला अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब बेटे इससे आगे आप लोगों ने करना क्या है, मैंने वैल्यूज लिख दी है, आपने वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट करना है। ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट करके आपने वाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। वाई की वैल्यू आपके पास बेटे आ जाएंगी 2। जब वाई की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएंगी, उन वैल्यूज को आपने जो है इस जो इक्वेशन थी यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू अरेंज की थी वाई की वैल्यू में बारी बारी पुट करके आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्मेट में अपने आंसर को लिख लेना है। दोबारा मैं बेटे रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपके पास वैल्यू लिखी है ए बी और सी की, इसको आपने इक्वेशन की जो फार्मूला लिखा है इसके अंदर बेटे पुट करना है। पुट करने के बाद यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 वैल्यूज जो आएंगी आपके पास वाई की, उसको आपने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो फर्स्ट में अरेंज की थी एक्स की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे वाई की जगह पे बेटे पुट करनी है दोनों वैल्यूज को 1 by 1। यहाँ से आपके पास बेटे एक्स की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, और उसको फिर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेंगे तो वो आपका क्या होगा आंसर होगा। तो बेटे इससे आगे जो है आप लोगों ने कंटिन्यू करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है ये क्वेश्चन बेटे आपने कंप्लीट करने हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है, तो बेटे आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम बेटे आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके साथ दोबारा बेटे हाजिर होंगे, क्वेश्चन नए होंगे तो उन बेटे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो भी न्यू होगा। अच्छा अब एक जो डेफिनेशन मैंने आपको कहा था मैं आपको समझाऊंगा, पेज नंबर 39 पे है डेफिनेशन सिमिलरिटी इक्वेशन, इसको आपने बेटे एक दफा रीड कर लेना है। इंशाल्लाह कल लेक्चर से पहले जो है डेफिनेशन को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आज आपने प्रैक्टिकली कर लिया, आपको पता चल गया है कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और उसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे। जब कुछ डेफिनेशन आपको समझाई जाएगी तो आप जल्दी जो है उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। इंशाल्लाह बेटे कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।